Dear student, today we will start a new unit called solid state. Very interesting. This unit includes a number of diagrams. Therefore, you should be cautious to draw those diagrams. More than 50 or 60 diagrams will be required to study this unit. First of all, we must know that solid state is characterized by strong intermolecular force rigid and incompressible character. Solid state is characterized by strong intermolecular force, rigid and incompressible character. Solids are divided into two main categories. There are a number of bases of classification. On the basis of morphology, there are two types of solids. First one is crystalline solids, and second one is amorphous solid. Amorphous, the word meaning of amorphous is without any definite morphology, without any definite morphology. अब दोनों solids में, crystalline और amorphous में, हम लोग point wise differences देखेंगे. इसमें कॉलम नहीं बनाना है डिफरेंस का, पॉइंट वाइज देखेंगे. आप हेडिंग जरूर डाल दीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन solids. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम डाल रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब क्या है ध्यान रखिएगा. सॉलिड या तो एटम से मिलकर बना होता है, या मॉलिक्यूल से, या फिर आयन से. तो इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, और इट मे बी आयन. तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have definite geometrical arrangement of constituent units in three-dimensional space. Three-dimensional mein क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. एग्जाम्पल देते हैं NaCl का.
तो ये हो गया ज्योमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस में क्या होगा देखिएगा, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव रैंडम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। इस तरह फिगर दिखा देंगे, रैंडम अरेंजमेंट होगा, कोई पैटर्न नहीं, ग्लास। तो इस तरह जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ज्योमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पैटर्न होता है कि सोडियम के बाद क्लोराइड आना है, क्लोराइड के बाद सोडियम आना है, लेकिन एमॉर्फस में कोई पैटर्न नहीं होता, इसीलिए उसका नाम है ओमॉर्फे से लिया हुआ है, विदाउट एनी डेफिनेट मॉर्फोलॉजी। तो पहला डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, अब हम दूसरे की तरफ चले। मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल डेफिनेट होता है। सपोज कीजिए सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको एग्जैक्ट 90 पे वो मेल्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एक टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये मेल्ट करते हैं। जैसे ये पता होगा कि 80 और 110 के बीच में कहीं मेल्ट करता है, लेकिन पता नहीं, कोई डेफिनेट नहीं है कि किस पॉइंट पे मेल्ट करता है। तो ऐसा अगर है तो एमॉर्फस सॉलिड होगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने देख लिया मेल्टिंग पॉइंट का, नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा देखेंगे क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या कहता है। इमेजिन कीजिए कि किसी सॉलिड को आपने किसी नाइफ से कट किया, मान लीजिए एक सॉलिड का ब्लॉक है, आपने इसको नाइफ से कट कर दिया, कट करने के बाद सरफेस जनरेट होगा, न्यू सरफेस जनरेटेड। अगर ये स्मूथ है तब तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, और अगर ये सरफेस रफ है तो इसका मतलब ये एमॉर्फस सॉलिड है।
तो थोड़ा वर्ड्स में नीचे लिख देते हैं हम, वेन ए सॉलिड इज कट विद अ शार्प नाइफ देन न्यू सर्फेस विल बी जनरेटेड. इफ द सर्फेस इज रफ द सॉलिड विल बी अमॉर्फस. एंड इफ द सर्फेस इज स्मूथ एंड इफ सर्फेस इज स्मूथ द सॉलिड विल बी क्रिस्टलाइन. तो कट करने के बाद अगर हमको रफ सरफेस मिलता है तो इसका मतलब जो सॉलिड हमने कट किया है वो एमॉर्फस है, और कट करने के बाद अगर स्मूथ सरफेस मिलता है तो जो सॉलिड हमने कट किया वो क्रिस्टलाइन है. देखिए चौथा डिफरेंस होगा, चौथा डिफरेंस आ रहा है कूलिंग कर्व. एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का कि कोई सॉलिड एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का कर्व. Suppose here is the melting point. Melting point क्रिस्टलाइन का सॉलिड का तो melting point पता ही होगा आपको, sharp होता है, definite होता है. तो melting point के ऊपर वो किस state में होगा? Liquid state में होगा. अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम पास होगा इसका टेम्परेचर डाउन होगा. टाइम पास हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है. जब ये मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो अब यही फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा. आप ध्यान दीजिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, दोनों सेम होते हैं. तो अब ठंडा करते हुए ला रहे हैं, यहां पे वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा. जब तक पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. अब इसके बाद फिर से टेम्परेचर गिरना शुरू होगा जब तक कि आपका रूम टेम्परेचर नहीं आ जाएगा. यहां पे रूम टेम्परेचर आ गया. तो देखिए स्मूथ नहीं है. ए से चले बी पे ब्रेक लग गया, बी से चले सी पे ब्रेक लग गया. क्यों ब्रेक लगा? क्योंकि बी और सी क्या बता रहा है? टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन इंटरवल भी बोलते हैं इनको. तो ध्यान रखिए कूलिंग कर्व ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज नॉट स्मूथ बिकॉज देयर आर ब्रेक पॉइंट्स एट बी एंड सी corresponding to the time of solidification. Corresponding to the time of solidification. तो B और C पे break point आ गया क्योंकि इस point पे वो liquid cool करने पे solid में convert हो रहा है. तो इस तरह शेप का अगर कोई कर्व आ रहा है कूलिंग, तो आप ये जान जाइए कि वो सॉलिड क्रिस्टलाइन है. अभी एमॉर्फस में कैसे आएगा वो हम बताते हैं आपको. पहले जल्दी से नोट कीजिए आप. अब एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व देख रहे हैं. कूलिंग कर्व ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना मेजर डिफरेंस होता है दोनों के कूलिंग कर्व में. टाइम टेम्परेचर. एमॉर्फस सॉलिड का खास बात क्या है कि हमें तो पता नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड क्या है. बस यह है कि गर्म करते हुए हम लोग उसको लिक्विड स्टेट में ले आए हैं. मान लीजिए लिक्विड स्टेट में, अब हम इसको ठंडा कर रहे हैं. आप देखेंगे स्मूथ कर्व आएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं है. तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी पता नहीं है. आप आसानी से इसको मेल्ट नहीं कर सकते. डियर स्टूडेंट देखिएगा, तो कूलिंग कर्व ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज स्मूथ. It has no break points. It has no break points. तो ये तो है. एक्सपेरिमेंटली किसी सॉलिड को अगर वेरीफाई करना हो कि वह एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, तो कूलिंग कर्व का बनाना और उसको वेरीफाई करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस पर हम चल रहे हैं. ऑप्टिकल, मेरे ख्याल फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी डिफरेंस. ऑप्टिकल एनिसोट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्या, पहले तो वर्ड मीनिंग जाना है कि एनिसोट्रोपी क्या चीज है, ये हम जानते हैं पहले. The property independent of direction is called
एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, सॉरी गलत हो गया यहां पर, द प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा वो एनिसोट्रोपिक होगा, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा वो आइसोट्रोपिक होगा। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑप्टिकली एनिसोट्रोपिक होते हैं। आप नोट कर लीजिए जल्दी से वर्ड मीनिंग इसका, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक का। देखिए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, डियर स्टूडेंट। देखिए ये एक लाइट की बीम पास कर रहे हैं हम, जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, ए को फेस करता हुआ जा रहा है, बाहर निकलने के बाद वेवलेंथ लैम्डा है। इसी वेवलेंथ की लाइट को हम अब डायरेक्शन चेंज कर दिए, जब डायरेक्शन चेंज कर दिए तो अब ये बी को फेस करता हुआ जा रहा है, अब इसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा टू। अब अभी हम देखिए यहां से पास कर रहे हैं, ए और बी अल्टरनेट को फेस कर रहा है, वेवलेंथ वही है शुरू में, बाद में देखा कि ये क्या हो गया, लैम्डा थ्री। हियर लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, इज नॉट इक्वल टू लैम्डा थ्री। वेवलेंथ चेंज होने का मतलब उसका कलर चेंज हो जाना, उसकी एनर्जी चेंज हो जाना। तो अगर डायरेक्शन के साथ लाइट बीम का वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये सॉलिड ऑप्टिकली एनिसोट्रोपिक होते हैं, और दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चेंजेस विद डायरेक्शन ऑफ बीम। Hence they are optically anisotropic। जल्दी से बना लीजिए, नोट कर लीजिए, एमआरएफएस का भी बताना है। डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ एमआरएफएस सॉलिड्स। देखिए ये एक सैंपल ले लिया हमने एमआरएफएस सॉलिड का,
अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की बीम पास करे, लेकिन देखा गया कि डायरेक्शन भले बदल दिया आपने, वेवलेंथ सेम है, यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं हुई। और अगर ऐसा हो रहा है तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहलाएगी और वो सॉलिड एमॉर्फस कहलाएगी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट चेंज विद डायरेक्शन। Do not change with the direction of beam, has called isotropic. जल्दी से फिगर बना के नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे तो इतना ही डिफरेंस हम लोग को पढ़ने हैं, एक छोटा सा डिफरेंस और बताऊंगा मैं आपको, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। देखिए, सपोज कीजिए कि एक कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर सॉलिड को पाउडर करके फिल कर दिया, यहां हीट कर रहे हैं और टाइम नोट कर रहे हैं कि कितने देर के बाद यहां पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। मान लीजिए T1 सेकेंड के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, मतलब हीट रेडिएशन को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इतना सेकंड लगा। अब रिवर्स कर दीजिए, इधर से हीट कीजिए और यहां मेजर कीजिए कि कितने टाइम के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है, यानी हीट रेडिएशन को यहां से यहां तक पहुंचने में T2 सेकंड लगे। अब देखिए यहां पर अगर T1 T2 बराबर है तो ये कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड, और T1 T2 डिफरेंट है तो ये कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक और डिफरेंस होता है, हालांकि आपके टेक्स्ट बुक नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। तो इस तरह से हमने आपको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया, डिफरेंस बताया, और इसके बारे में आगे और हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने सॉलिड स्टेट शुरू कर दिया, आसान चैप्टर है। थोड़ा सा पेन पेंसिल वगैरह साथ में रखिएगा, एक दो कलर का, क्योंकि इसमें डायग्राम काफी बनाने पड़ते हैं। डायग्राम से भरा हुआ चैप्टर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव ए गुड डे एंड गुड लक।